चालू कर दिया माँ ने, तो माँ ने चालू कर दिया। क्या क्या मिला है इसमें? वो कल मैंने राइस का बैटर बना के रखा था ना, उसका पीठा बनाएंगे, छुंची पत्र पीठा। थोड़ी आ रही कौन सी छुंची पत्र पीठा। तो इसमें क्या डाला? और राइस में सिर्फ चावल है, वो चावल का बैटर, और उसमें नमक, सिर्फ सॉल्ट। और ये है ना बॉल राइस। ये देखिए, ये कोकोनट है, जो फ्रेश कोकोनट होता है ना, उसको कद्दूकस कर लेना है, उसमें शुगर मिला देना है ना, डोसे जैसे बनाना है पहले ना, फिर उसमें कोकोनट डालेंगे। देखिए ऐसे फोल्ड करना है, ये पॉकेट बना लेना है, पॉकेट हो गया, ऐसे बना लेना है। हमारे उड़ीसा में बहुत तरह तरह का पीठा बनाया जाता है, और ये एक तरीका है, ये बहुत इजी होता है, इसको बना लेना ज्यादा इजी है, और बाकी कोई कोई मुश्किल भी होता है, इसलिए ये ज्यादा इजी है, इसलिए हम लोग बना लेते हैं, ज्यादा बनाते हैं ये वाला, और अच्छा भी लगता है। मेरा आज तो स्नेहांक में खा के भी गया और लेके भी गया, टिफिन में सारा भी लेके गई टिफिन में, मम्मी बोलेगी सब हेल्दी भी होता है, हेल्दी भी होता है ना, हेल्दी भी होता है, ऑयल नहीं है और कुछ भी नहीं है, सिंपल है, सिंपल है, तो बच्चे के लिए, बड़े के लिए, सबके लिए हेल्दी, बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बजे है 9, आज है थर्सडे, आज 10 तारीख है, तो आज सुबह से ब्लॉगिंग चालू स्टार्ट करते हैं। तो मम्मी ने ब्रेकफास्ट बना लिया, अभी मैं जिम से आई हूँ, और जिम से आने के बाद मैं नहाऊंगी, फिर ब्रेकफास्ट करूंगी साथ में मिलके, तो चलिए करते हैं फिर स्टार्ट आज का रूटीन, है ना। उस दिन फ्लावर देखिए, इसका ये कलियां जो बर्ड्स है ना, खिला नहीं था, अभी देखिए खिलने लगा है, कितना अच्छा लग रहा है देखिए, वाह कितना अच्छा खुशबू होता है इसका। मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए नहाने के बाद, चाहे वो ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कोई भी हो, मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए, गर्मी सर्दी एवरी टाइम एनी टाइम। पाउडर लगा दीजिए। मुझे ना बाल खोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसीलिए हमेशा बाल को ऊपर कर देती हूँ। लिप बाम लगा लेना, लिप बाम, यहाँ पर सर्दी हो गई, अब यहाँ पर अब सर्दी आ गई, थोड़ी थोड़ी ड्राई हो रही है स्किन बहुत। तो चलिए नाश्ता करते हैं, मम्मी बुला रही है, नाश्ता करो नाश्ता करो, लाइट ऑफ करना चाहिए, लाइट ऑफ कर दीजिए, एनर्जी सेव करना चाहिए, एनर्जी और पानी सेव जरूर करिए। मेरी सुंदरी माँ को देखो, देखो माँ ने पीठा बना दिया पूरा, ये देखो ये वाला मत के सब धोड़ा दे, ये देखो माँ ने पीठा बना दिया, ये देखिए देख रहे, बहुत यम्मी लगता है, बहुत यम्मी, इसको बनाइए जरूर घर पे, ट्राई करिए। माँ ने तो डोसा जो बनाया था, डोसा जैसे ही बनाना है, फिर उसके ऊपर नारियल डाल देना, मैं तो वीडियो डाल दूंगी आपको, बहुत
टेस्टी। और हम इसको ना कैसे खाते हैं, हम इसको मिल्क के साथ खाते हैं, दूध के साथ। ओ पूजा कर दे चौ, अब माँ होने से कितना अच्छा है ना, सब कुछ हो जाता है, मेरा ब्लॉगिंग आसान हो रहा है। लेकिन अभी मेरा वो कर दिया, आदत बिगाड़ दिया माँ ने, मुश्किल हो जाएगा जब चले जाएंगे तो। है ना, है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यम्मी को भी खाऊंगा, ये देखो केले का हालत, खाओ भी ना क्यों जल ये ना, मैं आज हटात देख लो ना कुछ यार, तुम्हारे एक ब्लॉग नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, हम ओडिशा लोगों को ऐसे रहता है, हमेशा हमेशा बनिंग टी शर्ट में थोड़ी नाम हो रहे जो लोग ओडिया है समझ पाएंगे। दाल बना दिया मम्मी ने, अभी उसको छौंक लगाना है, ये दाल है और ये अभी बनाऊंगी, ये तोरी है ना, तोरी, तोरी का पोस्तो बोलते हैं, पोस्तो बनाऊंगी मैं अभी, तो इसका बनाते हैं अभी, बनाना स्टार्ट। ऐसे तोरी को ऐसे छोटे छोटे भी काट सकते हैं, और पोटैटो भी काट लिया है, तोरी और आलू का पोस्तो, तो चलिए बनाते हैं। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल पानी, अब डालूंगी एक सूखी मिर्च, फिर डालूंगी पंचफोड़न, ये पंचफोड़न ये डालूंगी, फिर डालूंगी प्याज, अब डालूंगी ये, डाल दूंगी तोरी और आलू डाल दूंगी, जो रिजिड गार्ड है ना वो डालूंगी, इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर,
पोस्तो है ना, पोस्तो उसको पीस लिया है। ग्राइंडर में सिलपट्टा में पीसना ज्यादा अच्छा होता है, ग्राइंडर में इतना अच्छे से नहीं होता है। पोस्तो मैंने लेकिन इसमें ना काजू डाला है, काजू पीसा है। मैं पोस्तो नहीं डालती, मैं काजू डालती हूँ। तो मैं इसको डालूंगी इसमें, जब पक जाएगा फिर डालूंगी। चलो रेखा ने ये सब करके गई है और थोड़ा थोड़ा रह गया है अंडर गारमेंट वगैरह, उससे नहीं करवाती। कपड़े कपड़े फोल्ड करके रख के चली गई है वो। रेखा ना होती तो मेरा क्या होता, हालत खराब हो जाता है ना माँ। अरे अरे मैंने तो सारा का यूनिफॉर्म नहीं धोया, धोना पड़ेगा। आज से गोटे पीती जाइ ना, हाँ आवर से स्कॉट टा धोया भी पड़ी वो। चलो 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 सारा का वो धो लेते हैं उसका, धोया नहीं मैंने। अरे उसका यूनिफॉर्म रह गया। अरे ये देखिए कपड़े सारे पड़े, ये कपड़े मशीन में डालना है। कुछ तो डालूंगी मशीन में, लेकिन कुछ सारा का यूनिफॉर्म है ना व्हाइट है, व्हाइट इसको हाथ में धोना पड़ता है। फट हो गया, मैं मशीन में धो लेती हूँ, लेकिन वो सारा के व्हाइट है ना तो उसको धोना पड़ता है हाथ में थोड़ा। चलिए सब्जी देख लेते हैं। सब्जी आलू पटाटो बॉईल हो गया ना, थोड़ा सा बॉईल करूंगी, फिर पोस्तो डालूंगी। मुझे ना सबसे बोरिंग काम लगता है कपड़े को जमाना, सबसे बोरिंग काम। किस किस को लगता है, किस किस को लगता है कपड़े को फोल्ड करना सबसे बोरिंग काम, वो कमेंट करके बताइए, मुझे जरूर बताइए। थैंक गॉड की रेखा है, कर देती है मेरी रेखा मेरी मेरे सर्वेंट क्वार्टर में रहती है फुल टाइम 24 आवर्स। लेकिन इसका मतलब नहीं कि 24 आवर्स सारे काम करवाती हूँ उसे, ऐसा नहीं है। काजू का पेस्ट करके मुझे अच्छा लगता है, काजू वाला टेस्ट मुझे पोस्तो का टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता। सो मैं काजू का टेस्ट मतलब काजू डालती हूँ, मुझे काजू का टेस्ट अच्छा लगता है। तो अब डाल दिया, ये अब बन गया है, ये बन गया। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर लास्ट में। माँ को परेशान करते हैं, माँ देख रहे बिग बॉस, हमारे माँ देख रही है बिग बॉस। बोला आईब्रो है ना जरूर करना, आईब्रो घर पे ट्राई जरूर करना उसको, जरूर बहुत अच्छा होता है। मतलब आप तो, मैं पहले पार्लर जाती थी, पार्लर मुझे जाना अच्छा नहीं लगता कभी भी। मैं जाओ पार्लर जाओ उसको फिर बनाओ, उसमें जाके लाइन दो, मैं परेशान हो जाती हूँ। तो
मैंने सोचा कि जब मैं वीट से मैंने वो वैक्स वगैरह करवाती थी ना, फिर मैंने सोचा इससे ही करते हैं, ट्राई करते हैं। फिर एक बार क्या, अरे वाह बढ़िया हो गया। तो उससे क्या होता है ना, फट से हो जाता है, एकदम फट से इतना जल्दी हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग से शेयर करती हूँ, तो अच्छा है ना। तो मैं अगर जानती हूँ और उसको दूसरे को शेयर करूँगी तो वो लोग को भी पता होगा, अच्छा है ना। तो ऐसे, और मैं ना घर पे ही सारे करती हूँ, मैं ज़्यादा पार्लर वालर जाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा स्किन ना बहुत सेंसिटिव है, देख रहे पिंपल वगैरह निकलता है थोड़ा, तो सारे प्रोडक्ट मेरे ऊपर सूट भी नहीं करता है, तो देख देख के करना पड़ता है। आप लोग कैसे हैं, सब अच्छे हैं? घर पे जो हाउसवाइफ है ना, वो लोग क्या करते हैं, मेरे जैसे ही करते होंगे ना काम सब। और YouTube में मैंने YouTube पता है क्यों खोला, क्योंकि मैं ना ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ बातें, लेकिन मैं इतना फ्रेंड्स के साथ जैसे घर पे जाके बातें करना, गॉसिप करना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना YouTube चैनल खोला जाए, फिर उसमें मैं मेरे फ्रेंड्स बनाऊंगी और मेरे फ्रेंड्स से बातें करूंगी, अपने बातें शेयर करूंगी। और मैं तो गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ, इतना अच्छा क्वार्टर मेरा है, मतलब घर मेरा इतना अच्छा नहीं है, मेरे नेटिव प्लेस में मेरा अपना खुद का घर है, मैंने बनाया है वहाँ पर। जब मैं जाऊँगी ना वहाँ पर जरूर दिखाऊंगी आप। मैंने रेंट दे दिया है अपने घर, तो कुछ एक हिस्सा मैंने रखा हुआ है, लेकिन मैं ज़्यादातर जाती हूँ तो मम्मी के घर पर ही रहती हूँ, फिर हमारे मदर इन लॉ के घर जाती हूँ। यहाँ पर ऐसे ही है, और इसमें क्या करें, गवर्नमेंट क्वार्टर है, ऐसे ही है, इसको कुछ नहीं कर सकते इसको थोड़ा बहुत जो मैंने थोड़ा मेंटेन करके रखा है बस वही है। और मुझे इतना घर अच्छा लगता है, घर सजाना जरूर अच्छा लगता है, लेकिन खुद का घर हो तो अच्छा है ना। यहाँ पर इस क्वार्टर में मुझे पूरा मेरे हस्बैंड के रिटायरमेंट तक यहीं पर रहना पड़ेगा और सारा और स्नेहांग स्कूल जाते हैं, तो उनका पूरा स्टडी यहीं पर करना है, मतलब रिटायर्ड, मतलब मेरे हस्बैंड जब तक रिटायर्ड होंगे ना तब तक यहीं पर रहना है मुझे। सो आज का मैं रूटीन आप लोग को लंच तक ही दिखाऊंगी, है ना, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। सो आज कहीं जाना वाना है नहीं, तो जब जाऊंगी कहीं पर फिर आप लोग को दिखाऊंगी जोधपुर का थोड़ा थोड़ा कुछ। क्या खा रहा है ये देखिए, ये खाता है, ये दाल बना है, सब्जी बना है, नहीं खाता है बच्चा, सिर्फ एग पोच खाएगा और राइस खाएगा। दाल के साथ खिलाऊं, दाल के साथ खिलाऊं आपको, थोड़ा सा खाओ ना, देखो आपका वीडियो आपका मैम भी देख लेंगे, मैम भी देखेंगे, मैं तो मैम को मेरा चैनल का वो दे दूंगी। उसको ना एक पीठा दिया था, नहीं दो पीठा दिया था उसको, और टिफिन में ले गया था तो उसने बोला था एक पीठा देना मम्मा, तो मैंने उसको दो दिया दिया था, तो बोला कि आपने मुझे क्यों दो दिया, बोलो दो नहीं चाहिए मुझे, वन चाहिए वन चाहिए, तो बोला कि मैंने जबरदस्ती खाया ना, और मैम के डर से ना वो खा लेता है ना, तो ये वाला जो वीडियो है ना ये मैम के पास जाएगा, तो बाबू तो खाएगा दाल, दाल के साथ दूं, इतना मुश्किल है बच्चों को खिलाना, स्कूल में खा लेते अपने हैंड से। सो फ्रेंड्स टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बाय बाय, टिल देन नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, फिर कल का ब्लॉग में मिलेंगे, और सैटरडे कुछ प्लान बन रहा है आप लोगों का जाने का, और देखते हैं क्या होता है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बाय 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 फ्रेंड्स, बाय बाय।